Yes, welcome back to my channel and good morning from Manali. So, आज मनाली में दूसरा दिन है हमारा. आज हम लोग जाने वाले हैं सलंग वैली और वहाँ से जाने वाले हैं जोगनी वाटरफॉल. सो सलंग वैली और जोगनी वाटरफॉल आज हम लोग जाने वाले हैं. पूरा एक्सप्लोर करूँगा, आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या है वहाँ पे. सो अभी ठंड बहुत ही ज़्यादा, आई थिंक माइनस में है मेरे ख्याल से, मैंने देखा नहीं है वैसे माइनस में. अब देख रहे हो धुएं निकल रही मुँह से. सो आज का भी यानी आज ट्रैक भी करने वाले हैं हम लोग को, जो जोगनी वाटरफॉल का ट्रैक है वो हम लोग करने वाले. तो फुल रेडी हो चुके हैं, ग्लव्स व्लव्स पहन लिया है, स्वेटर पहन लिया है और भी बहुत कुछ पहना हो भाई, ठंड बहुत ही ज़्यादा है. सो अभी हम लोग बस ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, नीचे सब आ गए, ब्रेकफास्ट करके सीधा निकलेंगे सलंग वैली के लिए. सबसे पहले सलंग वैली जाएंगे, फिर उसके बाद जाएंगे जोगनी वाटरफॉल ट्रैक करने के लिए. सो मिलते और बस बने रहिए आगे वीडियो में, आगे व्लॉग में, और ऐसे ही व्लॉग देखते रहिए. और आगे का आपने एपिसोड नहीं देखा हो देख के आइए. हिडिंबा टेम्पल हम लोग गए थे, मॉल रोड गए थे, वो पूरा एपिसोड रिलीज हो चुका है, तो देख के आइए फटाफट. तो मिलते अभी हम लोग मनाली में हैं और बंदे लोग सोलंग जा रहे हैं रास्ते में और देख रहे हैं कि तैयारी कर रहे हैं, ठंड में कांप रहे हैं, ठंड भी इनके मजे ले रही है और ये भी ठंड के हमें तो आज ऐसा लग रहा है कि हम चंद्र पे जा रहे हैं. चंद्र पे जा रहे हैं ऐसा लग रहा है. अच्छा अच्छा, हाँ ये लोग तैयारी ऐसे कर रहे हैं जैसे लोग बॉर्डर पे जाने वाले हैं आज. बंदे क्या नाम है इनका, आपका नाम बताइए. मेरा नाम जोकर. धीरू बोलते जा गई. अरे यार ये मुझे देखो, साइज छोटी पड़ रही थी मेरी, उंगली भी नहीं है. हाँ नहीं रही है, ठीक है कोई बात नहीं. बूट और कलर ऑप्शन अवेलेबल. भाई के बूट नहीं मिले. तो गाइस अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं और आप देख सकते हो पूरा ट्रैक पहन लिया है और काफ़ी मतलब नाक लग रहा है वैसे, काफ़ी फनी लग रहा है, पर पहनना जरूरी क्योंकि वहाँ पे काफ़ी माइनस में ठंड है, तो पहनना जरूरी है. और ये जिस तरह कि ये पूरा हमारा जो ड्रेसेस है वो हमको हमारी कैंप की तरफ से फ्री मिला है. लेकिन आप जब भी आते हो तो इसका आपको 250 रुपया चार्ज करना पड़ता है, ये पूरा हमको मिलता है. और आपको ये जूते भी मिलते हैं, ये जूते देख सकते हो, तो जूते 250 रुपये में आपको ये पूरा मिलेगा. उसके अलावा आपको ये ग्लव्स लेने पड़ेंगे और जो मेरे जूते के अंदर एक और सॉक्स पहना हुआ है वो आपको लेना पड़ेगा. वो 100 और 100 200 का मैंने ये ग्लव्स लिया है और 100 रुपये का सॉक्स लिया है. सो अभी हम लोग रेडी, अभी हम लोग जाएंगे. सारे दोस्त रेडी हो चुके हैं, सब अभी जा रहे हैं. वी आर रेडी, वी आर ऑल रेडी. अभी हम लोग जाएंगे. माइनस वाले जैकेट, इनर, सब माइनस वाला मफलर. माइनस वाला मफलर, हां माइनस वाला मफलर दोनों है हमारे पास. वहां जाके एक बात बोलूं, गंजी बनियान फिर वो क्या बोलते हैं उनको, इनर, ऊपर टी-शर्ट, जैकेट, पांच छह महीने वो पहन के ही आई है. सबके ऊपर ही पहना है. अब नहीं लग रहा, अब ठंडी लग रहा है क्या? लग रहा नहीं, नहीं बिल्कुल बिल्कुल. माइनस में भी चले जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, पूरे बर्फ में गिर जाएगा तो मालूम नहीं पड़ेगा. अपने घर से परचेज करके कुछ नहीं लाइए, सब मिल जाएगा, सब मिलता है रीजनेबल प्राइस में, क्योंकि इतना कुछ लेकर आना करना, लेकर आना, ये ट्रैवलिंग करना और नॉट पॉसिबल. यहाँ के आके रेंट दे देना वो चलेगा. यहाँ पे क्वालिटी क्वांटिटी अच्छी सही मिल जाएगा. हाँ हमको तो कैंप की तरफ से मिला, पर आपको खर्चा करना पड़ेगा 250 रुपया लगता है. हाँ रीजनेबल रीजनेबल चलेगा. और यार बस और तो क्या चाहिए, ठंड नहीं लग रही बस वही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए. ठीक है. सो गाइस अभी हम लोग चाय पी रहे और चाय के साथ ये कुछ नज़ारे, ये कुछ व्यू देख सकते हो. वहाँ पे बर्फ़ आपको दिख रही होगी. अभी हम लोग को भी जाना है बर्फ़ में, लेकिन अभी उससे पहले गरम गरम चाय पी लेते, ठंड कम लग रही है. पीछे देख सकते हो वादियाँ, और अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर
काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ भी हैं यहाँ पे, तो एक्टिविटीज़ भी करेंगे। तो अभी तो जा रहे ऊपर, काफ़ी ठंड है, धुआं धुआं निकल रहा है मुझसे, लेकिन ठंड इतनी लग नहीं रही है क्योंकि सब कुछ पहना हुआ है। सो आगे भी लोग जा रहे, देख रहे हो सारे के सारे हमारे ग्रुप के लोग हैं। हाँ तुम बाकी रह गए, तुमको भी अभी दिखाएंगे। सांसें चढ़ेगी, सांसें फूल जाती है, बहुत सारा चढ़ गया है, चढ़ गया है, अंदर की गर्मी है, बड़ा हरामी हो बेटा, समझ रहे हो, अंदर की गर्मी है। तो चलते आगे। सो यहाँ से एंट्री करते हुए सोलांग वैली में, बर्फ देख सकते हो, अभी हम लोग बर्फ पे ही है, फील हो रहा है, फील हो रहा है कि हम लोग बर्फ पे चल रहे, फिसलन भी हो रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे जूते पहने हुए इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस देख सकते हो अभी हम लोग हैं बर्फ के ऊपर और पूरा ये पूरा एरिया बर्फ से भरा हुआ है। सो ये देख सकते हो रोप वे भी लगा हुआ है यहाँ पे, और रोप वे से आप सीधा ऊपर जा सकते हो, देख सकते हो यहाँ पे ट्रॉली भी लगी हुई है, आपको दिख रहा होगा, पर हम लोग रोप वे में नहीं बैठने वाले, हम लोग जाएंगे पैदल, आप देख सकते हो वहाँ तक जाएंगे हम लोग, लोग भी है काफ़ी सारा वहाँ पे लोग है, हम लोग भी जाएंगे, थोड़ी थोड़ा फोटोग्राफी हो जाए उसके बाद जाएंगे ऊपर, ठीक है, और कुछ ना कुछ एक्टिविटीज भी करेंगे। तो मिलते आगे। यहाँ पे पैराग्लाइडिंग लोग कर रहे हैं, देख सकते हो गाइस, ओए होए 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 भाई साहब, यहाँ पे आप पैराग्लाइडिंग करते हो, यहाँ से आपको पहले ऊपर जाना पड़ता है, उसके बाद आपको यहाँ से नीचे ला के आएंगे। सो ऊपर हम लोग यहाँ पे पैराग्लाइडिंग नहीं करेंगे, हम लोग कुल्लू में पैराग्लाइडिंग करने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पहाड़ों में ले जाते हैं पैराग्लाइडिंग के लिए, यहाँ पे यहाँ से सिर्फ ऊपर से नीचे आना है और यहाँ पे भी बर्फ़ है तो इतना मज़ा नहीं आएगा, तो हम कुल्लू में पैराग्लाइडिंग करने वाले हैं। Hi, this is Nehal from the youth campaign and we are here in the Solang Valley and luckily we got a good point where there is lots and lots of snow and weather is quite very much good and I'll share you the experience later. Okay, thank you. So guys, अभी हम लोग activities करने वाले, तीन activities करने वाले हैं, so हमारे साथ और भी छह लोग हैं। चलो अभी हम लोग ने आइस स्लाइडिंग किया भाई, दो सेकंड के लिए फटी थी, बाकी तो भाई मजा आ गया, काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। तेरा क्या था? तब तक हम नहीं गए, तब तक इतनी फटी वो दो मिनट के लिए, लाइक मेरे स्टमक में बटरफ्लाई बट मजा आ गया, मजा आ गया। सो अभी स्नो बाइक करने जा रहे हैं लोग, फोटो ले लो बाद में अपने, हां फोटो बाद में, हां सही है। Thank you.
हो रही है इधर अभी तो लीजिए तेरी कैसा रहा ये वाला ये होता है वाला ज्यादा अच्छा था क्योंकि उसमें बहुत कम टाइम था मतलब 2 मिनट के लिए था ये बहुत लंबा था एंड काफी स्लाइड्स थे उतने के टाइम मुझे लगा दैट वी विल फॉल बिकॉज़ वी हैड सो मेनी थिंग्स एंड नाउ ओके सो अभी एक और एक्टिविटी बाकी है वो भी करेंगे ऐसा इनकी सवारी निकल पड़ी अभी ये यहाँ पे सुन हो रहा है टेंशन है मैं पकड़ू अरे भाई दे मैं ले जाता आपको चलो ये देखिए भाई साहब ये दोनों अलग हो गए थे अभी वापिस अरे वे उसकी देखी से फट रही है पकड़ रहा तो है लो मैं तो नहीं करने वाला नहीं तो सारी एक्टिविटीज हो चुकी हमने 3 एक्टिविटीज की 700 रुपये में 700 रुपीज़ में वैसे वो लोग ज़्यादा कह रहे थे पर आप बार्गेनिंग करते हो तो आपको अच्छा रेट लगा देंगे सारे के सारे तो हम लोग फिर हमने 3 एक्टिविटीज़ के 3 एक्टिविटीज़ सारे ने किया और 700 रुपीज़ का लगा तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस क्या बोलना चाहते हैं एक्सपीरियंस था तो बहुत बढ़िया था बट यहाँ वाला एकदम वैसे होते ना सारे एक्सपीरियंस सही नहीं होते एक तो कुछ हाँ यानी एक्सपीरियंसेस के लिए होते कुछ तो पूरे एक्सपीरियंस होने चाहिए यहाँ वाला ठीक ठाक था बाकी दोनों तो बहुत ही बढ़िया थे मैंने यहाँ वाला नहीं किया अच्छा किया जितना हम इंस्टाग्राम पर फोटोज ले और अपलोड करें उससे बेटर है कि एक्सपीरियंस इंस्टाग्राम में तो सब अच्छे दिखते हैं हाँ अरे हम लोग ऊपर हमारे साथ जो भी लोग थे ग्रुप में वो लोग ने किसी ने भी एक्टिविटीज नहीं किया हमारे सिवा है ना शायद अपन ने ही किया ना एक्टिविटीज है ना हम लोगों ने एक्टिविटीज किया है बाकी सारे ऊपर है अभी शायद तक तो वो लोग ऊपर हाँ सो अभी हम लोग ने सब करके हम लोग ऊपर जा रहे अभी बराबर तो बारिश हल्की हल्की बारिश है बारिश हो रही है इधर सो भाई यहाँ से कुछ इस तरह का व्यू है देख सकते हो बारिश हो रही है यहाँ हम सिर्फ फोटोग्राफी करने के लिए आए और ये स्पेशल ये लड़की डांस करोगी सब डांस करा अभी गाना बजाओ डांस करेंगे सारे के सारे है दीवानी रुक जाओ रानी पीछे मुड़ के सो अभी बर्फ में हम लोग बर्फ से खेल रहे हैं थैंक यू भैया थैंक यू लो जी ये जवानी है दीवानी वाला पोस्ट दे दिया हम लोगों ने इंस्टाग्राम के लिए पर्सनली हमने ये पोस्ट दिया है ये बंदी ने बोला था कि मुझे ये जवानी है दीवानी वाला पोस्ट दो बारिश हो रही है स्नो एकदम वो वाला एकदम बड़ा बड़ा हो ना तो बहुत मजा आएगा अपनी खिड़की में से होना चाहिए ऐसे वसूल है फिर तो भाई मनाली मनाली हाँ नहीं हर दिसंबर में मनाली तो आना ही है आपको सो फाइनली सोलंग वैली यहाँ ख़त्म होता है सोलंग वैली में काफ़ी हमने मज़े किए एंजॉय किया एक्टिविटीज़ किया उसके बाद हम लोग ऊपर गए थे काफ़ी सारे फ़ोटो भी हमने क्लिक किए
सो सोलंग वैली का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। सो सोलंग वैली का एपिसोड इनकी वजह से शानदार हो पाया, इन पाँचों की वजह से। मैं तो सोलो आया हूँ लेकिन कुछ दोस्त मिल जाते हैं। सो कैसा रहा एक्सपीरियंस सोलंग वैली का? बहुत बढ़िया। इसने सबसे ज़्यादा फोटो खिंचवाया, इसने सबसे ज़्यादा पैसा वसूल इसने ही किया था। सो मिलते हैं नए लोग के साथ। अभी कहाँ जाने वाले अपन? जोगनी होटल। जोगनी होटल का एपिसोड आएगा। ठीक है तो मिलते हैं, चलो बाय बाय। पसंद आया वीडियो तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है मिलते हैं, चलो।